पहले आप इस चैनल को देखो, ओनली 4 वीडियोस और सब्सक्राइबर 1 लाख प्लस, और व्यूज तो पूछो ही मत। अब इस चैनल को देखो, सिर्फ 1 वीडियो और सब्सक्राइबर 55,000 प्लस, और व्यूज सिर्फ 3 वीक के अंदर ही 9.8 लाख प्लस हो चुका है। और इतना फास्ट ग्रो होने वाला ये कोई 1-2 चैनल नहीं है, बल्कि बहुत सारा है। ये देखो इसे भी देखो, ये भी और ये भी देखो। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा, और इन सवालों से अगर आप निकल नहीं पाए तो आप इसे इनका लक कह दोगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये कोई लक नहीं बल्कि ट्रिक है, और यही ट्रिक आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। लेकिन वेट, पहले आप जान लो कि ये ट्रिक बताने वाला मैं कौन हूँ। मेरा नाम है जो भी हो, लेकिन अब तक मैं 4 YouTube चैनल सक्सेसफुल रन कर रहा हूँ, और ये मेरा 5वां न्यू चैनल है। सो प्लीज डोंट जज मी कि इसका चैनल तो खुद जियो है, तो ये क्या ही बताएगा। इसलिए देखो भाई, इन सारी चैनल के पीछे का एक ही राज है कि इन्होंने YouTube एल्गोरिथम को अच्छे से समझा है। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे हाउ टू वायरल वीडियो ऑन YouTube, तो आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें कहेंगे वायरल टैग लगाओ, टाइटल अच्छा लिखो, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखो, CTR हाई रखो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है एल्गोरिथम, जिसके बारे में कोई नहीं बताता। देखो, आप इन सबको सीख कर 4 से 5 साल में चैनल तो ग्रो कर सकते हो, लेकिन वीडियो वायरल करने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने एल्गोरिथम को समझ लिया कि YouTube के एल्गोरिथम किस प्रकार काम करता है, तो आपकी वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकती। और एल्गोरिथम को अच्छे से समझने के लिए आज का ये वीडियो बेस्ट है। लेकिन आपके लिए एक वार्निंग है कि मिल रही है मौका तो वीडियो को पूरा देख कर अच्छे से समझ लो, लेकिन अगर आधा अधूरा छोड़ के गए तो कसम से भाई 10 से 20 व्यूज के ऊपर नहीं जा पाओगे। देखो, YouTube एक प्लेटफॉर्म है जो डेटा के बेस पर चलती है। YouTube मेनली 2 तरीकों से डेटा कलेक्ट करती है, एक क्रिएटर से और दूसरा ऑडियंस से। क्रिएटर से, जैसे वीडियो का टाइटल क्या है, वीडियो किस कैटेगरी का है, वीडियो मेड फॉर किड है या नहीं, वीडियो में कोई कॉपीराइट तो नहीं है, वीडियो में कोई सेक्सुअल पार्ट तो नहीं है, वीडियो को किस कंट्री से अपलोड किया जा रहा है, और भी बहुत कुछ। अब दूसरा ऑडियंस से, कि ऑडियंस कौन सी वीडियो को ज्यादा देख रही है, किस टाइप की वीडियो में ज्यादा लाइक एंड कमेंट कर रही है, किस टाइप की वीडियो को ऑडियंस सबसे ज्यादा शेयर करती है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ऑडियंस किस टाइप की वीडियो से ज्यादा रिलेट कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट वीडियो को एक परफेक्ट व्यूअर तक पहुंचाती है। आपने बहुत सारी क्रिएटर से तो सुना ही होगा कि YouTube अपने एल्गोरिथम को साल में 200 बार से ज्यादा अपडेट कर देते हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन YouTube 2 ऐसी चीजों को लगभग कभी नहीं चेंज करती है। पहला है CTR, दूसरा है ऑडियंस रिटेंशन। एल्गोरिथम में ज्यादा उलझने से बेहतर है आप इन 2 चीजों पे ध्यान दो। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, यानी ऑडियंस तुम्हारे वीडियो को कितनी बार क्लिक किया तुम्हारे थंबनेल एंड टाइटल को देखकर। चलो इसे अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने YouTube पे कोई वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो को YouTube ने 100 लोगों तक भेजा, जिसमें 10 लोगों ने तुम्हारे वीडियो पर क्लिक किया और देखा, तो ऐसे में आपका CTR 10% हुआ। अब YouTube ने इसे और थोड़े ऑडियंस यानी 1000 लोगों तक भेजा, जिसमें से 35 लोगों ने आपके वीडियो पे क्लिक किया और उसे देखा, तो आपके इस 1000 ऑडियंस से 3.5 का CTR आया। और अगर टोटल कर दिया जाए तो इंप्रेशन 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100 एंड व्यूज 10 प्लस 35 इज इक्वल टू 45। और CTR निकालने का सिंपल सा रूल है, CTR इज इक्वल टू व्यूज डिवाइड इंप्रेशन इनटू 100 एंड 45 डिवाइड 1100 इनटू 100 इज इक्वल टू 4%। तो आपका इस वीडियो का CTR आया 4%। और वही दूसरी तरफ YouTube के पास एक और वीडियो आई जिसका CTR है 15%। तो आप ही बताओ YouTube कौन सी वीडियो को ज्यादा पुश करेगी, ऑब्वियसली 15% CTR वाली वीडियो को। आई होप आप यहाँ तक CTR को समझ लिए होंगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक वायरल वीडियो के लिए CTR कितना होना चाहिए, वेल इसका तो कोई करेक्ट आंसर नहीं है, बट मेरे एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के बेसिस पे नॉर्मल चैनल पे 2 से 10% के बीच रहता है। और अगर न्यू चैनल है तो कोशिश करो कि CTR 10% प्लस हो, तो ज्यादा बेटर है। अब दूसरा था ऑडियंस रिटेंशन, जिसे समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा खेल इसी का है। मान लो तुम्हारे वीडियो का ड्यूरेशन 8 मिनट का है, इसमें 2 इंसान 5 मिनट तक देखा और बाकी 8 इंसान इसे 2 मिनट तक देखा, तो तुम्हारे 10 इंसान में ड्यूरेशन हो जाता है ऑडियंस इनटू ड्यूरेशन इज इक्वल टू 10 × 8 मिनट इज इक्वल टू 80 मिनट्स। लेकिन यही ऑडियंस इसे देखा कितने देर तक, 2 ऑडियंस 5 मिनट तक, यानी 5 × 2 = 10 मिनट एंड 8 ऑडियंस 2 मिनट तक, यानी 2 × 8 मिनट, यानी 8 × 2 मिनट = 16 मिनट। अब टोटल ऑडियंस है 10 और रिटेंशन आया है 26 मिनट का। अब अगर टोटल ऑडियंस रिटेंशन निकालना है तो मिनट्स डिवाइड ड्यूरेशन इनटू 100, यानी 26 / 80 × 100 =
32.5%, यानी अब तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन हो गया है 32.5%। अगेन रूल तो इसमें भी वही है, जितना ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन होगा उतना ज्यादा वीडियो वायरल होते जाएगा। यूट्यूब ने तो फिक्स बताया नहीं है कि वायरल वीडियो के लिए कितना होना चाहिए, बट अगेन मैं अपनी एक्सपीरियंस एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग बताऊं तो तुम्हारे शुरू के 24 घंटे तक ऑडियंस रिटेंशन 40-45% तक होनी चाहिए। और अगर तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन 40% से कम है तो तुम्हें इसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। ऑडियंस रिटेंशन कम होने का मेनली एक ही कारण होता है, तुम अपने ऑडियंस को अपने वीडियो में हुक नहीं कर पा रहे हो। इसका कई कारण हो सकता है, डिटेल्स में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम डिटेल्स में जाना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशली ऑडियंस रिटेंशन पे वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन अभी ऑडियंस रिटेंशन के कम होने का कारण शॉर्ट में जान लो कि हो सकता है ऑडियंस तुम्हारे वीडियो में बोर हो रहा हो, इसलिए तुरंत वीडियो को छोड़कर चला जाता है, या तुम्हारी वीडियो की स्टोरी टेलिंग अच्छी ना हो रही हो, या तुम अपने ऑडियंस को कुछ नया नहीं दे पा रहे हो, और भी बहुत कुछ। अगर आप ब्लॉगिंग चैनल को देखोगे तो उसमें 70-80% ऑडियंस रिटेंशन चला जाता है, क्योंकि इसमें ऑडियंस को वीडियो देखने में मजा आता है इसलिए उसे बार बार देखता है। लेकिन अगर तुम पॉडकास्ट वाली चैनल को देखोगे तो इसमें तुम्हें 40% ऑडियंस रिटेंशन लाने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और एक बात तो सच है कि वीडियो का ड्यूरेशन जितना लंबा होगा उसमें ऑडियंस रिटेंशन उतना कम होता जाएगा। 2 मिनट वाली वीडियो में 70% ऑडियंस रिटेंशन लाना नॉर्मल सी बात है, लेकिन वही 30 मिनट वाली वीडियो में 40% ऑडियंस रिटेंशन लाने में तुम्हारी हवा निकल जाएगी। CTR और ऑडियंस रिटेंशन पे कोई रूल तो नहीं है कि इतना होने पे वीडियो वायरल हो जाएगी, ये अलग अलग चैनल पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा CTR या AR सही है या नहीं। बस जितना हो सके उसे उतना ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। आई होप अगर आपने यहाँ तक देखा तो आप एल्गोरिथम को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो मेरी समझाने की मेहनत को एक लाइक जरूर कर दो यार। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।